हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप अपने कैमरा ऐप को ओपन करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, कैन नॉट कनेक्टेड टू कैमरा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपके में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जो कि आपको लगता है कैमरे का जो है वो यूज़ करती है, आपने कैमरे की परमिशन जिसको दे के रखी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस ऐप में से जो कैमरा की परमिशन है उसको आपको हटा देना है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र में कोई भी कैमरा की परमिशन को ऑन करके रख देते हैं और आप कैमरा बैकग्राउंड में या फिर चला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका कैमरा है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कई और जगह यूज़ हो रहा होता है। तो अगर बैकग्राउंड में कहीं पे भी किसी एप्लीकेशन में या फिर किसी भी ब्राउज़र में कोई भी कैमरा की जो परमिशन है आप ऑन कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो कैमरा है वो ऑन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिसेंट में से जितनी भी एप्लीकेशन है जो कि कैमरा का यूज़ कर रहे हैं उनको हटा देना है, और आपको क्या करना है अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, जिसके लिए आपको पावर बटन को दबा के रखना है। यहाँ पे एक रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको रिस्टार्ट पर क्लिक कर देना है। रिस्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ होगा और स्विच ऑन हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अपने कैमरा ऐप को ओपन करना है और आपका जो कैमरा ऐप है वो ओपन हो जाएगा। फिर भी अगर कैमरा ऐप ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, ऐप्स पे क्लिक कर देना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सी ऑल ऐप्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके में ऑल ऐप्स की सेटिंग्स हो सकती है, आपको ऑल ऐप्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके डिवाइस के एप्लीकेशन निकल के आ जाएंगे। आपको यहाँ पे कैमरा को ओपन करना है, और कैमरा को ओपन करने के बाद यहाँ से इसे फोर्स स्टॉप कर देना है, एंड स्टोरेज एंड कैचेज में जाना है और क्लियर ऑल डाटा जो है वो डिलीट कर देना है और बैक चले जाना है। जैसे आप इतना सब कुछ करेंगे आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।